हेलो विद्यार्थी मित्रों कैसे हैं बच्चों आप आप सब लोग आप सभी का केमिस्ट्री टीचर मोरे मैं आपका स्वागत करता हूं ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में जहां पे हम लोग जेई के पिछले साल या प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हर एक चैप्टर के हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फास्ट फॉरवर्ड या शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ताकि आप एग्जाम में वो क्वेश्चन सोल्व कर सको इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम ठीक है बच्चों तो शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री लेट्स बिगेन सो पहला पहला क्वेश्चन क्या है जनवरी ट्वेल्व ट्वेंटी नाइनटीन में ये क्वेश्चन आया था क्वेश्चन है एट ग्राम ऑफ एनएओएच 8 gram of NaOH is in 18 gram of H2O. Of NaOH in अब देखो NaOH का का कितना कितना है NaOH का mass है 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया? 40 बराबर तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 8 by 40. तो वो हो गया 1 by 5, right? Water. Water के तो दिख रहे क्लियर कट

0.167 आएगा तुम्हारा NaOH का और चलो ये तो हो गया उसका मोल फ्रैक्शन राइट अब और इसका मतलब ये ये आंसर तो नहीं आ सकते अब बची ये और ये तो उन्होंने पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलारिटी क्या पूछा है बच्चों मोलारिटी अब मोलारिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय

Right? Right? So बच्चे

कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स वॉल्यूम इन लीटर्स तो मोलारिटी तो दिया है जीरो पॉइंट वन मोलर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं वॉल्यूम दिया है टू लीटर्स टू मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट वन इज इक्वल टू जीरो राइट उसको मल्टीप्लाईड करना है ये जो शुगर है सुक्रोज शुगर के बेसिकली ये सुक्रोज है तो ये शुगर का जो मॉलिक्यूलर मास है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब इसका मॉलिक्यूलर मास है 342 <laughs> तो सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ सुक्रोज वुड बी इक्वल टू n 342 तो 0.2 342 दैट विल बिकम 68.4 ग्राम

वो एक हाइड्रोकार्बन है जिसके पास 3.55 परसेंट ऑफ क्लोरीन है ठीक है इफ इच मोलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैज वन क्लोरीन एटम ओनली देन क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन वन ग्राम ऑफ क्लोरो हाइड्रोकार्बन आर अब देखो सिंपल है वो क्या बोल रहे हैं 3.55 परसेंट ऑफ क्लोरीन इसका मतलब क्या हंड्रेड ग्राम्स ऑफ क्लोरो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सीएल लिखता हूं अभी ठीक है

सॉरी नंबर ऑफ ग्राम्स निकाल लिए राइट अब उस ग्राम को हमको कन्वर्ट करना है किस में नंबर ऑफ मोल्स में तो कैसे निकालोगे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरिन इज इक्वल टू 3.55 पॉइंट फाइव फाइव टू माइनस टू डिवाइडेड बाय 35.5 दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ योर क्लोरिन राइट तो इस डेसिमल को अगर मैंने एडजस्ट कर लिया थर्टी पॉइंट फाइव टू माइनस थ्री डिवाइड बाई So that becomes one into ten raised to minus three. The so number of moles of chlorine, how many? Number of moles of chlorine, One into ten raised to minus three. Now that multiplied by Avogadro number, right? Six point zero two three into ten raised to twenty three. So, that will around six point zero two three into ten raised to twenty. Right? Where it is? Here it is. ऑप्शन नंबर डी राइट इजी है ओके चलो देन मूविंग अहेड नेक्स्ट क्या है तुम्हारा अगला क्वेश्चन एक्सेस ऑफ एनएओएच, एक्सेस ऑफ एनएओएच वाज एडेड 200 ml ऑफ एपीसीएल FeCl3 रिजल्टिंग इन टू 2.14 ग्राम ऑफ FeO H3 द मोलारिटी ऑफ FeCl3 मोलारिटी नहीं मोलारिटी Of solution is up. अब तुमने क्या किया है देखो सी एल थ्री राइट कितना है बच्चों को हंड्रेड एम एल प्लस क्या डालना है एक्सेस ऑफ एनए है तुम्हारा एक्सेस में अब तुमको क्या दे रहा है सोडियम इज गोइंग विथ क्लोरिन एंड ओ एच इज गोइंग विथ आयन सो दट इज गिविंग यू एफ ओ एच प्लस थ्री एन ए सी एल ओके ना अब वो बोल रहे हंड्रेड एम एल एफ सी एल थ्री अगर मैंने लिया तो टू पॉइंट वन फोर ग्राम टू पॉइंट वन फोर ग्राम ऑफ एपीओ एस थ्री मिल रहा <laughs> है इस सोल्यूशन का मोलालिटी कितना है पहली बात तो मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे उसके लिए FeOH₃ देखो FeOH₃ आयन का एटॉमिक मास है ५६ एक OH का १६ प्लस १७ तीन OH का कितना होता है ५१ ये कितना बन गया १०७ राइट सो दैर्फोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeOH₃ इज इक्वल टू २.१४ डिवाइड बाय १०७ इसको करते हैं 214 इंटो 10 raise टू minus 2 डिवाइड्ड बाय 107 दैट बिकम्स 2 इंटो 10 raise टू minus 2 राइट right? अब वो बोल रहे हैं कि इसका मोलारिटी सॉरी मोलारिटी कितना आएगा अब अगर ये 100 ml था तो इतने मोल्स आए राइट अगर ये अगर ये 1000 ml होता तो ये कितना आता तो बच्चों ये आता 2 इंटो 10 raise टू minus one राइट right?

अब अगर तुमने सी एच फोर लिया चार ऑप्शन तुम्हारे पास है आइसोब्यूटेन ब्यूटेन एंड प्रोपेन ठीक है मिथेन तो इसमें नहीं है मैं तुमको बस ये समझाने के लिए कि ऑक्सीजन कितना लगेगा मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं देखो मिथेन अगर तुमने लिया तो तुमको ऑक्सीजन कितना लगेगा दिस इज गिविंग यू सीओ टू प्लस टू एच टू कंप्लीट कंबर्सन किया मैंने राइट आई एम रिक्वायरिंग टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर मेरे पास सी टू एच सिक्स है वन लीटर हो गया तो ये टू लीटर्स क्यों टेम्परेचर प्रेशर मैंने क्या किया है कॉन्स्टेंट है इसका मतलब जितना वॉल्यूम है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स या अगर मैंने वॉल्यूम अगर दो लीटर लिया तो नंबर ऑफ मोल्स भी दो ही हो जाएंगे ठीक है बच्चों? ये लिया इथेन तो दिस विल गिव मी टू सीओ टू प्लस थ्री एच टू कितने हो गए दो, दो चार प्लस सात तो सेवन बाई टू तो वन एच टू क्या हो गया ये

ठीक है रेशो देखो रेशो बढ़ रहा है तो 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 ये ये डेढ़ डेढ़ से से बढ़ता जाएगा कितने में में ऐड ऐड किया साड़े थीन। साड़े किया ठीक so तो 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 है अगर तुमने ब्यूटेन लिया लीटर लगेगा चलो नेक्स्ट रिजोल्टी ग्राम ऑफ कंपाउंड इसका इन वन थाउजेंड ग्राम ऑफ वाटर A solution of ऑफ डेंसिटी gram per ml. The molarity of the solution is. अब देखो थाउजेंड ग्राम ऑफ वॉटर टोटल बोलना है वॉल्यूम बोलना है तो वॉल्यूम बोलो टोटल वॉल्यूम कितना है वॉटर का हजार है जो कंपाउंड तुमने लिया उसका कितना है 120 तो कितना हो गया 1120 ग्राम्स ठीक है ये मास है मास ही पकड़ते हैं इसको ठीक है वॉल्यूम नहीं पकड़ते और डेंसिटी कितना है बच्चों डेंसिटी तुम्हारे सामने दिया है 1.2 ग्राम पर एम 1.2 ग्राम पर एम राइट ग्राम पर एम अब आप खुद ही बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है मास बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम क्या आएगा मास डिवाइड बाय डेंसिटी मास है 1120 ग्राम्स डेंसिटी कितना है तुम्हारे सामने है 1.2 ग्राम्स पर एमएल एल ग्राम्स ग्राम गेट्स कैंसल 1.20 डिवाइड बाय 1.2 इज इक्वल टू थाउजेंड एम एल थाउजेंड एम एल इज इक्वल टू वन लीटर राइट अब तुमको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता चल गया वन लीटर है अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ओवर 120 है और अगले मास 60 है 120 डिवाइडेड बाय 60 कितना आएगा बच्चों दो 2 डिवाइडेड बाय 1 देयरफॉर मोलारिटी इज 2 सिंपल इनफ राइट सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2 मोलर ठीक है ओके okay, चलो मूविंग अहेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल्स ऑफ वाटर 3.6 मोल ऑफ वाटर में कितना ऑक्सीजन रहेगा तो देखो वन मोल ऑफ वाटर तुमने लिया वन मोल ऑफ वाटर में कितना ऑक्सीजन होगा जाहिर सी बात है 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन होगा राइट right? क्योंकि 18 ग्राम मतलब एक मोल ऑफ वाटर उसमें 16 ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन है

राइट सिंपल ओके ठीक है चलो मूविंग अहेड नेक्स्ट 10 0.5 मोलर ऑफ NaOH solution. What is इज द फाइनल तो देखो ये जो फॉर्मूला है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन या मोबाइलिटी का ये कैसे निकालते हैं एम वन वी वन प्लस

टू हंड्रेड इन पॉइंट फाइव कितना आएगा सौ आएगा कि नहीं वो टू हंड्रेड का आधा ना डिवाइड बाई दो सो दस दो हंड्रेड प्लस जीरो गेट्स कैंसिल अब क्या आएगा इसका हाँ थ्री फोर जो ट्वेल्व सेवन फोर बाय सेवन मतलब

चार प्लस दो छ मतलब तो so, इसका लीटर लिया तो इसका तीन लीटर लगा ठीक है अगला ऑक्सीजन मतलब सी और हाइड्रोजन कितने बच्चों तो ऑक्सीजन right? मतलब क्या हो गया नाइन बाई टू वन एच टू थ्री अब ये क्या हो गया वन एच टू Three, four point five, right? अब, अब, इसी कंपाउंड का लीटर मतलब छ मोल यहाँ पे मैंने एक लीटर लिया मतलब एक अब समझ इसको से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मिलेगा सी थ्री एच सिक्स सिक्स लीटर और इसको भी छ से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर प्लस पॉइंट फाइव ट्वेंटी सेवन तो नाइन बाई टू ओ टू हमारे सामने एक साढ़े चार सत्ताईस इसका मतलब जो है वो C3H6 ही इसका मतलब सी थ्री एच सिक्स क्या होता है बच्चों प्रोपीन right? Clear? आसान है कि नहीं ओके चलो मूविंग द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन सिक्सटीन ग्राम ऑफ ओजोन ओ थ्री 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज अब रेशियो एंड पूछा उन्होंने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ ओजोन 16 ग्राम ऑफ ओजोन ओजोन का मॉलिक्यूलर मास है 48 राइट तो नंबर ऑफ मोल्स 16 डिवाइडेड बाय 48 कितना हो जाएगा 0.3 मोल्स कितना हो गया NO3 इज इक्वल टू 0.3 CO 28 ग्राम सोलह ग्राम ऑक्सीजन होता है राइट सो नंबर ऑफ मोन ऑफ ऑक्सीजन टू वन ओनली ट्वेंटी ऑक्सीजन आइटम पूछा यस वन ही आएगा ऑक्सीजन ऐटम पूछा है ना उन्होंने yes.

टू यस इन ओ टू इन ओ टू तो सिक्सटीन डिवाइड बाई थर्टी टू कितना पॉइंट फाइव थ्री एस टू ये देखो पॉइंट थ्री एस टू वन एस टू पॉइंट फाइव इसको दो दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो so, क्या आएगा एक्चुअली ना यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्यों बताओ 16 32 बोला है उन्होंने 16 ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीजन अगर उन्होंने बोला है कि 16 ग्राम, में, कितना है? तो 16 ग्राम में भी ऑक्सीजन एटम, क्यों? क्यों? तो एटम है आधा मोल ना एक मोल में दो ऑक्सीजन होते हैं बच्चों कितने होते हैं दो मोल एक मोल में दो ऑक्सीजन एटम है तो आधा मोल ओ में कितने ऑक्सीजन आइटम आएंगे Therefore, ये .2 है, लेकिन यह ओ टू है उन्होंने ऑक्सीजन एटम बोला है तो पॉइंट टू इन टू टू इज इक्वल टू वन ही हो जाएगा तो 1, बराबर. तो मतलब यह क्या हो जाएगा थ्री एस टू वन एस टू वन हेयर इट इज राइट सिंपल इनफ रेशियो इज थ्री एस टू वन एस टू वन ओके चलो मूविंग अ हेड

इसको कर देते हैं जीरो पॉइंट टू है ना ये इसको कर देते हैं बीस टू पॉइंट माइनस टू आएगा टेन रेस टू प्लस टू फोर एन रेस टू माइनस टू टेन एस टू माइनस प्लस टू ऊपर जाएगा टेन रेस टू माइनस टू टेन रेस टू प्लस सिक्स 4 into 10 raised to minus 4 into 10 raised to 6 4 into 10 raised to 2 that is 400 ppm correct answer is option number a 400 ppm right okay so hello. next what is the next question 5 gram of benzene or nitration gave 6.6 .6 grams of nitrobenzene then the theoretical yield of the nitrobenzene will be so, dekho. अब सिंपल है तुमको उसके लिए ओरिजिनल इक्वेशन लिखना पड़ेगा जो है ये बेंजीन तुमने लिया सिस्टिक्स ह सिक्स राइट उसका मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या है बच्चों 78 ग्राम्स राइट इसमें तुम डाल रहे हो कंसेंट्रेटेड ह नॉ थ्री एंड देन इट इट इस गिविंग यू एनाइट्रो बेंजीन

क्योंकि ये प्रैक्टिकल गिल्ड है उन्होंने थे पूछा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेवेंटी एट इन टू X 123 into 5, right? So, x is equal to 123 into 5 divided by 78. बाई सेवेंटी एट अब मुझे कोई सेवेंटी एट का टेबल याद नहीं है लेकिन इत... और किसी को होगा भी लेकिन 78 एट बनता सेवेंटी इतना तो मुझे समझ में आता तो बचे कितने बाईस प्लस तेईस पच्चीस एट थ्री सा तो तो जा, जो भी आएगा लेकिन आ तो वन चलो और करते इसको सेवेंटी एट वन पॉइंट थ्री लेते वन पॉइंट थ्री इंटू फाइव कितना हो गया सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम्स अब सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम्स जो आ रहा है वो आ रहा है उसका क्या बोलते हैं उसको yield. अब 6.5 सबसे पास में इधर किसके हैं तुम ही देखो हमने कुछ गलत तो नहीं किया है ना 78 ने इतना दिया तो पास ग्राम ने कितना दिया हाँ सब सही किया 6.5 पॉइंट ग्राम्स इज मोस्ट क्लोजेस्ट टू आ आ आ आ इसमें ना गलती हो सकती है मुझे तो इसके ऑप्शन में ही गलती लग रही है ठीक है ठीक है छोड़ो एज कंसर्न इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ठीक है मैं ज्यादा एक्यूरेसी में पता नहीं मुझे ये शायद ऑप्शन में गलत हो चुका है क्योंकि मैं नहीं ये एनटी के साइड से नहीं लिया बुक से लिया है तो शायद गलत हो सकता है ठीक है लेकिन जो ट्रैक है सॉल्व करने का वो यही है ठीक है बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नेशियम फॉस्पेट will contain 0.2 mole of 2.5 mole of oxygen atom. अब पहले lo lete ho tum ek one mole of magnesium phosphate. One mole of magnesium phosphate. वो बोल रहे हैं 0.24 2.5 0.25 mole of oxygen atom. इसके कितने mole में हो सकते हैं? तो इसका एक mole लिया तो oxygen के कितने mole आ रहे? Four into two eight, right? Four moles of ऑक्सीजन एटम बोल रहे हैं ना ये सॉरी तो एटम तो ये आठ हो रहे हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम सामने तुम्हारे फोर इंटू टू एट तो जीरो पॉइंट टू फाइव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम वुड बी प्रेजेंट इन एक्स मोल ऑफ मैग्नेशियम फॉस्फेट तो एट इंटू एक्स 0 0.25 into 1, therefore x is equal to 0 0.25 into 8, which is equal to 25 into 8 into 10 raised to minus 2. 8 is are 24. 3.11 into 10 raised to minus 2. 3.11 10 raised to minus 2. Here it is option number D, right? It forward, okay? guess samajh mein, okay? Chalo, moving ahead. Two solutions of substance.

into 1.5 plus m2 520 into 1.2 divide by 480 plus 520 480 into 1.5 कितना हो रहा है ये 480 में तुम ऐड कर रहे हो 220 1.5 है ना क्योंकि क्यों? वो 220 नहीं 240 हो गए 420 यस yes. तो 480 प्लस 40

100 माइनस x परसेंटेज आएगा राइट और अपना जो फॉर्मूला है क्या है? क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास 35 इनटू x प्लस 37 इनटू 100 माइनस x डिवाइडेड बाय क्या लेते हैं हम लोग? डिवाइडेड बाय हम लोग हमेशा लेते हैं 100, right? अब अब 35.5 ये है 35.5 इन टू हंड्रेड इज इक्वल टू थर्टी फाइव एक्स प्लस ये क्या आएगा 00, 3700 37x. 100 35 कितना तीन हजार पाँच सौ पचास इज इक्वल टू थर्टी माइनस थर्टी सेवन कितना हो जाएगा वो थ्री थाउजेंड मैंने उस साइड भेजा प्लस हो गया 3700 माइनस 3550. 2x इज़ इक्वल टू 3700 माइनस इक्वल कितना आएगा? 150. सात x इज़ इक्वल टू 75 सौ right? पचास so, X कि... ये सेवेंटी फाइव परसेंट आया ये कितना आएगा 25 पच्चीस right? so, उन्होंने 35 वाला क्लोरीन टू 37 से रेशियो पूछा है. तो so, 75 टू एस टू ट्वेंटी फाइव कितना आएगा बच्चों थ्री एस टू वन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी थ्री एस टू वन राइट सिंपल इनफ ओके नेक्स्ट द रेशियो ऑफ द मास परसेंटेजेस द रेशियो ऑफ द मास परसेंटेजेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ अ सैचुरेटेड असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स आर फोर एस टू वन एंड cs21 the respectively then the moles of oxygen gas required for complete combustion of two moles of organic compound x is question bada hai to dekho ratio of mass percentage mass percentage carbon as to hydrogen kitna hai liya unhone ruko ratio of mass percentage of carbon hydrogen and carbon oxygen of a saturated acyclic organic compound x are 4 as to 1 ye

और हाइड्रोजन है कुछ अराउंड बारह ग्राम बराबर क्या पूछा उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स का ना मास uh, बन बार। हो गया थ्री होगा तो ऑक्सीजन कितना आएगा सिक्सटी फोर सिक्सटी थ्री झा फोर्टीन फोर झा फोर्टी ये आ गया परफेक्ट अमाउंट ऑक्सीजन सिक्सटी फोर कार्बन कितना है मेरा फोर्टी एट हाइड्रोजन बारह ठीक है, ओके okay, अब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन फोर्टी एट डिवाइड बाय ट्वेल्व कितना आ रहा है चार हाइड्रोजन डिवाइड बाय बारह ऑक्सीजन सिक्सटी फोर डिवाइड 16 कितना आ रहा है चार अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है चार तो वो हर किसी को डिवाइड करेगा चार डिवाइड बाई चार डिवाइड बाय चार चार डिवाइड बाय चार ये वन आएगा ये तीन आएगा और ये वन आएगा इसका मतलब ये क्या हो गया सी एच थ्री ओ ठीक है तो बाकी तो कुछ दिया नहीं है सी एच थ्री ओ द रेश मोल्स टू मोल्स अब वो बोल रहे हैं कि ये जो compound है असाइक्लिक नहीं होगा ये साइक्लिक होगा ये साइक्लिक होगा साइक्लिक तो होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सी एच थ्री ओ नाम से कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता और ये क्वेश्चन में साइक्लिक ही है असाइक्लिक वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा टाइप टाइपिंग वाले से ठीक है तो ये बन जाएगा सी टू एच सिक्स ओ टू क्या बन जाएगा सी टू एच सिक्स ओ टू अब वो बोल रहे है इसके कंप्लीट कंबशन के लिए ऑक्सीजन के कितने अमाउंट या कितने मोल्स लगेंगे तो सी इसमें ऑक्सीजन डालते हैं तो कार्बन तुमको देगा टू सीओ टू और हाइड्रोजन तुमको देगा 3H2. ठीक है 2 +2, 4. 4 +3, 7. 7 में से दो तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो बचे कितने फाइव मतलब फाइव बाई टू इसका मतलब तुमको लगेगा टू पॉइंट फाइव मोल ऑफ ऑक्सीजन राइट ओके ठीक है चलो देन मूविंग अहेड नेक्स्ट मोस्ट अबंडलीमेंट बाय मास इन द बॉडी मोस्ट अबंडलीमेंट इन द मास बॉडी ऑफ अ हेल्थी ह्यूमन एडल्ट आर ऑक्सीजन कार्बन ट्वेंटी टेन परसेंट नाइट्रोजन टू पॉइंट सिक्स परसेंट द वेट विची के जी परसन वुड गेन इतना पूरा परसेंटेज दिया है एक हेल्दी या स्वस्थ ह्यूमन के बॉडी में ठीक है पर्सन का जो वे जो पर्सन है और यहां पे कंसर्न वाला उसका वेट है सेवेंटी फाइव के जी वो पूछ रहे द वेट विथ सेवेंटी फाइव के जी पर्सन वेन इफ ऑल हाइड्रोजन आइटम्लेस बाय टू हाइड्रोजन आइटम मतलब ड्यूटेरियम टेन तो देखो अब सिंपल है हाइड्रोजन ये सेवेंटी फाइव के जी वाला ह्यूमन है उसमें हाइड्रोजन कितना है बच्चों टेन परसेंट ऑफ एच वन मतलब कितना हो गया सेवन पॉइंट फाइव के जी ऑफ हाइड्रोजन राइट अब अब वो बोल रहे हैं कि ये जो एच वन है इसको मैंने रिप्लेस किया है ड्यूटेरियम से तो तुम अगर देखोगे ड्यूटेरियम या फिर तुम लिख सकते हो एच टू वन तो इसका एटॉमिक मास तुम खुद ही देख लो कितना है बच्चों इसका एटॉमिक मास दो है हाइड्रोजन जो नॉर्मल हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास कितना है वन तो मतलब जितने भी हाइड्रोजन है 11 उसको तुम दो से रिप्लेस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ये 7.5 2 हो जाएगा और तो 15 kg ऑफ ड्यूटीरियम और H2 बना जाएगा मतलब किसी तो इंसान का जो वेट है वो 90 हो जाएगा मतलब कितना वेट गेन करेगा बच्चों को जाहिर सी बात है कि वो 15 kg गेन करेगा राइट सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 15 kg ओके ठीक है चलो मूविंग अहेड करेक्ट फॉर्मूला आउट ऑफ एक्स बिलो एक्स होगा कितनी होती है टोटल हो गया माइनस सिक्स अगर उसका ऑक्सीजन सेट माइनस सिक्स हो रहा है तो एक्स टू का कितना होना चाहिए प्लस सिक्स लेकिन एक्स टू कितना है दो है तो प्लस सिक्स डिवाइड बाय टू क्या आएगा प्लस थ्री राइट right? अब यहां पे यहां पे भी एक क्लोरीन का माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री तो इसका मतलब जो बाकी बचा है उसका क्या आएगा प्लस थ्री और प्लस थ्री डिवाइड बाय टू मतलब क्या आएगा वो प्लस वन बाय फाइव ठीक है अब नेक्स्ट सल्फेट पे एक सल्फेट पे चार्ज होता है माइनस तीन पे होता है माइनस जो दो x आएंगे उन पे आएगा प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू प्लस थ्री मतलब यहाँ पे वो सही है यहाँ पे भी सही है यहाँ पे PO4 फोर पे क्या चार्ज आता है बच्चों फॉस्पेट पे चार्ज होता है माइनस थ्री तो जाहिर है कि x पे भी चार्ज होगा प्लस थ्री तो हर जगह x पे प्लस थ्री चार्ज ही आ रहा है लेकिन यहाँ वन पॉइंट फाइव आ रहा है इसका मतलब दिस मस्ट बी रॉन्ग एंड इट इज रॉन्ग ठीक है एक्स टू सी एल थ्री नहीं ये एक्स थ्री होना चाहिए था ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन ठीक है कंपाउंड रिलेटिव टू हाइड्रोजन इज 16 डेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड रिलेटिव टू हाइड्रोजन मतलब बच्चों पता ये क्या है इट इज वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी बच्चों उसके कितनी आ रही है सिक्सटी तो वेपर डेंसिटी 16 है तो लगे हाथ हम मोलिकुलर मास भी निकाल लेते हैं क्योंकि मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इन वेपर डेंसिटी राइट जो कि है 16 2 इन टू इज इक्वल टू थर्टी ठीक है अब अब हम तो मोलिकुलर मास पता चल गया तो वो बोल रहे हैं कि कंपाउंड में हाइड्रोजन ट्वेल्व पॉइंट मास है और नाइट्रोजन हाँ, पता नहीं कितना है तो जाहिर सी बात उन्होंने पूछा कि फॉर्मूला क्या आएगा तो देखो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है बच्चों पकड़ा तो ये ट्वेल्व पॉइंट फाइव ग्राम्स हो जाएगा और एटी सेवन पॉइंट फाइव ग्राम्स हो जाएगा अब इस एंड दिसन तो ये तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव आएगा इट इज सेवन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई फोर्टीन कितना आएगा फोर्टीन सिक्स फोर थ्री फाइव फोर्टीन टू झा ट्वेंटी एट कितना बचा सेवन फाइव सिक्स पॉइंट टू फाइव कितना आया सिक्स पॉइंट टू फाइव अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या है सिक्स पॉइंट टू फाइव तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो सबको डिवाइड करेगा 12.5 तुमको पता है ना एम्पीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन का मेथड ये वही मेथड में फॉलो कर रहा हूँ 6.25 डिवाइड बाय 6.25 12.5 डिवाइड बाय 6.25 दो हो गया 6.5 डिवाइड बाय 6.5 वन हो गया मतलब एक नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन तो ये तुमको देगा NH2 अब NH2 क्या बन गए बच्चों एम्पीरिकल फार्मूला बराबर अब उसका मास निकालना पड़ेगा मास कितना आएगा इसका तो चौदह प्लस दो कितना होगा सोलह तो इंपरिकल फॉर्मूला मास इज सिक्सटीन मोलिकुलर मास इज थर्टी टू इसका मतलब मैं तो लिख लेता हूं मैं इसका मतलब एन इज इक्वल टू टू क्लियर कट है थर्टी टू सिक्सटीन तो इंपरिकल फॉर्मूला इंटू इंटू एन इज इक्वल टू मोलिकुलर इज थर्टी एम्पेरिकुलर फार्मूला देर फॉर जाहिर सी बात एन आएगा दो तो वैसा ही हम उससे मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकालते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला कितना है एन एच टू देर फॉर वोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू टू इंटू एन एच टू एट गिवस अस एन टू एच फोर और एन टू एच फोर चौथी हो रहा है 14 into 2, 28 plus 4, 32, N2H4. Therefore, it is hydrazine. Correct answer is N2H4, hydrazine. Okay? Okay? Shallow. Moving ahead. Amount of BSO4 formed upon mixing 100 ml of 20.8 BSCl2 solution with 50 ml of 9.8% H2SO4 solution will be.

सी टू एच फोर अगर मैंने लिया तो मुझे टू एच टू मिलेगा सी थ्री एच फोर लिया सी सेवन एच एट ये देखो सी सेवन एच जो है इसमें अगर तुमने वाटर डाला तो तुमको ये देगा सेवन सी ओ टू प्लस फोर एच टू देखिए पॉइंट सेवनटी टू ना तो पॉइंट सेवनटी टू डिवाइड बाई एटीन कितना आएगा वो फोर इंटू टेन रेस्ट टू माइनस टू मोल ऑफ वाटर राइट चार मोल मिल रहे यहां भी चार मोल रहे इसीलिए मैंने कनेक्ट किया तो फोर पॉइंट फोर इंटू टेन रेस्ट टू माइनस टू मोल वाटर मिल रहा है तो मतलब इसका भी तो बेसिकली ये कितने हो गए जीरो पॉइंट जीरो फोर मोल ये भी होगा जीरो पॉइंट जीरो फोर मोल ठीक है लेकिन अगर ये दिख रहा है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे तुम सॉल्व कर सकते हो या फिर यही देखो ट्री पॉइंट जीरो एट डिवाइड बाई फोर्टी फोर

एट हाइड्रोजन सात कार्बन इसका मतलब करेक्ट आंसर इज सी क्योंकि अगर तुम C2H4 लेते बच्चों तो तुमको चार मोल ऑफ वोलिक मोलिकल आता सा वाटर मोलिकल देता ये तो टू पॉइंट फाइव देता यही तुमको चार मोल दे सकता है या जीरो पॉइंट जीरो फोर दे सकता उसके मल्टीपल्स में मैंने वो तुमको सॉल्व करके बताया ठीक है बच्चों ओके चलो मूविंग अहेड नेक्स्ट ट्रांजिशन मेटल एम ट्रांजिशन मेटल एम फॉर्म क्लोराइड मेटल एम है जो एक वो क्लोराइड बना रहा है इफ इट कंटेंट सेवेंटी फोर पॉइंट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द क्लोरिन

95 होता तो कितना आता वन आता आता तो ये दो पॉइंट कम है तो वन नाइनटी माइनस पॉइंट फोर तो वन एटी नाइन पॉइंट और परसेंटेज ऑफ क्लोरिन कितना है सेवेंटी फोर इसका मतलब हंड्रेड ग्राम अगर होता हंड्रेड ग्राम्स ऑफ एम सी एल एन सेवेंटी फोर पॉइंट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ 189.6 grams of mcln would have how much oh x grams of chlorine now we don't know how much right so what will cross multiply 100 into x 189.6 into 75.75 divided by 100 Are sorry

तो कितना बनेगा 144.40 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन इतना क्लोरीन इसमें है तो तुमको अभी निकालना है कि फॉर्मूला क्या आएगा तो इतना क्लोरीन तुम्हारे पूरे मोलिकुलर फॉर्मूला में है तो जाहिर सी बात है जितना भी क्लोरीन है उससे तुम क्लोरीन के मोलिकुलर मास या सॉरी एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे राइट तो 144.40 डिवाइड बाय 35.5 Into 2, कितना है? 71. 71 into 2, कितना है? इसका मतलब एक मेटल और चार क्लोरीन है. तो फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों वो आएगा एम सी एल फोर राइटिबिलिटी ऑफ इट टू है चलो चलो बच्चों. लास्ट क्वेश्चन क्या है लास्ट क्वेश्चन

C3H4N. C3H4N अब इनको ये आ गया तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला ठीक है अब ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसको कन्वर्ट करते हैं इसके मोलिकुलर फॉर्मूला सॉरी पहले कन्वर्ट करते हैं इसके एम्पेरिकल फार्मूला में फॉर्मूला मास में कार्बन का 12 इंटू थ्री हाइड्रोजन का 4 इंटू वन नाइट्रोजन का 14 इंटू वन ट्वेल्व इंटू थ्री थर्टी सिक्स प्लस फोर प्लस फोर्टीन 54 तो इंपेरिकल फार्मूला मास कितना आया बच्चों 54 मॉलिक्यूलर मास कितना है तुम्हारे सामने है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला मास या इंपेरिकल मास मॉलिक्यूलर मास है 108 एंड इंपेरिकल मास कितना है बच्चों 54 देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 राइट right? अब हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला का फॉर्मूला क्या है बोला कि ना फॉर्मूला इज इक्वल टू टू इन टू एम्पेरिकल फॉर्मूला टू मतलब टू अभी एन आया ना एन तुम्हारा टू आया ना इसीलिए तो ये टू लिया एम्पेरिकल फॉर्मूला तुम्हारे सामने है सी थ्री एच तो ये क्या बन जाएगा सी सिक्स एच क्या बन जाएगा बच्चो सी सिक्स एच एट पे है सी सिक्स एच हियर इट इज ऑप्शन नंबर सी राइट दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस ओके चलो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर से मैंने चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट के हर तरह के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए कवर किए हैं ठीक है सो आई होप दिस इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर अपकमिंग जेई एग्जाम ठीक है चलिए मिलते हैं अगले सेशन में टिल देन बाय बाय फ्रॉम माई साइड